हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। और आज झारखंड बेस्ट एमसीक्यूज का जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसी का प्रैक्टिस सेशन आज मैं 4 लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि जेपीएससी ने अपना डेट डिक्लेयर कर दिया प्रीलिम्स का, जो कि 19 सितंबर को है। तो अभी जो हमारे पास टाइम बचा है ना, इसमें बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए हमारी कि हम अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। जो आपने पढ़ रखा है उस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप अधिक से अधिक मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज दो, ताकि एग्ज़ाम के दिन का जो आपका प्रेशर हो वो आप फील ना करो, आप अच्छे से एग्ज़ाम को निकाल पाओ। उसी के लिए मैं बहुत से चुनिंदा क्वेश्चन को लेके आपके सामने आया हूँ। आज मैं लगभग 50 क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ इस प्रैक्टिस सेशन में। एंड बिलीव मी, अगर मैं 50 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ तो आपका लगभग 100 से अधिक क्वेश्चन तैयार होगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा बीट्स होता है वो मैं आपको बताऊँगा। और इसलिए मैंने आप लोग को बोल रखा है कि वेन एवर आई एम सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस सेट, आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन जरूर रखो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा बीट जो है ना वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन का हिस्सा है। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम चलते हैं आगे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि जेपीएससी जेएसएससी या झारखंड किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अलॉन्ग विथ आईएएस एंड स्टेट पीसीएस, दे कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम यहाँ आपकी पूरी तैयारी करवाने वाले हैं एंड दिस इज़ मी योर मेंटर एंड गाइड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपना। सो आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन 4। सो झारखंड बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने लगभग नो योर स्टेट करके 3 वीडियो बनाया है, 3 लेक्चर में उस वीडियो को बनाया है नो योर स्टेट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप मेरे चैनल पर जाओगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा नो योर स्टेट करके। झारखंड स्पेसिफिक मैंने बहुत सारी चीज़ों पर बात करी है, डैम्स, रिवर, फेस्टिवल्स, सॉइल्स, मिनरल, इमिनेंट पर्सनालिटी, झारखंड का हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मैंने बहुत कुछ बताया है। और आज भी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, आप देखना उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हुए हैं। सो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा, आप तीनों वीडियो को देखो, आपका बहुत सारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। सो चलिए हम देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारे प्रैक्टिस सेशन का है कि झारखंड इज होम टू आवर ब्लैंक ऑफ इंडियाज टोटल मिनरल रिसोर्स। ऑप्शन है आपका 40, 30, 15 एंड 55, कि झारखंड जो है इंडिया का कितना परसेंट मिनरल रिसोर्स को रखे हुए हैं। सो देखो, मैंने लगभग स्टार्टिंग वीडियो में अपना जो इंट्रोडक्शन वीडियो था चैनल का उसमें मैंने बताया है, और नो योर स्टेट के लेक्चर 1 जो था मेरा उसमें मैंने बताया है कि झारखंड इकलौता ऐसा स्टेट है ना जिसने 40% से ज़्यादा मिनरल रिजर्व को कंजर्व करके रखा हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? 40% ए इज द करेक्ट आंसर। सो आप याद रखना कि झारखंड इकलौता ऐसा स्टेट है जिसने मोर देन 40% मिनरल रिजर्व को इकलौता कंजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है, अब लो एक्स्ट्रा बिट मैं जो दे रहा हूँ, देखो झारखंड का 18% कंट्रीब्यूशन है एनएमपी में। एनएमपी क्या है? नेशनल मिनरल प्रोडक्शन। आप समझ सकते हो दिस इज वेरी बिग चंक, यू नो 18% का एनएमपी में कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जब ये क्वेश्चन आता है ना तो इसमें देखो कुछ कुछ जुड़े हुए प्रश्न और भी आते हैं। अभी इस एक क्वेश्चन से मैं आपका 7 से 8 क्वेश्चन को तैयारी करवा रहा हूँ, देखना। झारखंड इकलौता ऐसा स्टेट है जिसने 40% मिनरल रिजर्व कंजर्व किया हुआ है, एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा, एनएमपी में इसका प्रोडक्शन रेशियो क्या है? तो 18% का है। तीसरा, कोल में झारखंड का फर्स्ट रैंक है, आयरन ओर में झारखंड का सेकंड रैंक है, कॉपर में झारखंड का थर्ड रैंक है, और बॉक्साइट में झारखंड का 7th रैंक है। ये चारों क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट प्रैक्टिस सेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड का 7th रैंक कौन से मिनरल में है? बॉक्साइट में है, कॉपर में थर्ड है, आयरन ओर में सेकंड है, कोल में फर्स्ट है। एक क्वेश्चन और आता है कि आयरन ओर लगभग झारखंड ने 26% कंजर्व करके रखा हुआ है। और एक बीट लो, मोर देन झारखंड का जो टोटल मिनरल से जो कंट्रीब्यूशन मिलता है उसे मोर देन 3000 करोड़ है। कितना है? मोर देन 3000 करोड़। तो इस एक क्वेश्चन से 6 से 7 क्वेश्चन निकलते हैं। मैंने आपको सारे बीट्स बता दिए हैं, कुछ भी छोड़ना मत, याद रखना। झारखंड, आई एम जस्ट रिपीटिंग लास्ट टाइम, झारखंड इकलौता ऐसा स्टेट है जिसने 40% मिनरल रिजर्व को कंजर्व किए हुए हैं। कोल में फर्स्ट रैंक है, आयरन ओर में सेकंड है, कॉपर में थर्ड है, बॉक्साइट में 7th है। आयरन ओर का लगभग 26% इसने अपने स्टेट में कंजर्व रखा है। एनएमपी नेशनल मिनरल प्रोडक्शन में 18% का कंट्रीब्यूशन देता है, और मोर देन 3000 करोड़ का इनकम इसे मिनरल
और रिजर्व से होता है, ठीक है, ओर मिनरल से होता है। सो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या था, ए था। अब क्वेश्चन नंबर टू देखो, बेस्ड ऑन द प्लेस आइडेंटिफाई द मिसमैच। तो जो चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं इसमें से मिसमैच कौन सा है, कौन सा गलत है। अब चूंकि सारे ऑप्शन वाटरफॉल पे बेस्ड है तो हमें देखना है कि इसमें से कौन सा वाटरफॉल नहीं है। दसम वाटरफॉल है, लोद वाटरफॉल या बूढ़ा घाघ जिसे बोलते हो वो भी एक वाटरफॉल है, जलप्रपात है, जोना वाटरफॉल भी है, ये भी सही है। माइथन वाटरफॉल, माइथन एक वाटरफॉल नहीं है, मैंने बार बार बताया है माइथन क्या है, एक डैम है, माइथन क्या है, एक डैम है। तो चलो हम एक एक करके, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि ये जो है डी, डी इज मिसमैच, माइथन इज नॉट ए वाटरफॉल, इट्स ए डैम। सो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया डी। अब चलो हम एक एक करके सब की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डी, मैं यहां लिखता हूं डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलो एक एक करके हम सबकी बात करते हैं और देखना ध्यान से। अब देखो दसम वाटरफॉल कहां है, दसम वाटरफॉल आपका है रांची में, और ये जिस रिवर की वजह से वाटरफॉल बनता है उस रिवर का नाम है कांची रिवर। ये देखो एक्स्ट्रा बीट दे रहा हूं, ये सब प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं आज, मैं जितना का जितना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं सबको आपके आपके सामने लेके आया हूं, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक है। तो दसम वाटरफॉल रांची में है जो कि कांची रिवर की वजह से बना हुआ है, कांची रिवर, ठीक है। लोद वाटरफॉल जिसे कि आप बूढ़ा घाघ वाटरफॉल भी बोलते हो, बूढ़ा घाघ, ये आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, कहां है लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, ये झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल है। दिस इज द, ये जो पॉइंट है ये आपको जरूर याद रखना चाहिए कि ये झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल है। और इंडिया में इसका रैंक क्या है, तो इंडिया में ये 21st इन इंडिया, 21वां बड़ा जलप्रपात है। और इसका एक पॉइंट आप याद रखो, ये लगभग 469 फीट या 143 मीटर ऊंचा है। तो जब आप लोदा वाटरफॉल का नाम सुनो या बूढ़ा घाघ वाटरफॉल, दोनों एक ही नाम है, दोनों एक ही को बोलते हैं जलप्रपात को, ये आप याद रखें कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल है, सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड का यही है लोद वाटरफॉल। इंडिया में इसका 21वां हाईएस्ट जलप्रपात है, 21वां रैंक है भारत में, और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 469 फीट या 143 मीटर है। अब देखो माइथन की हम बात करते हैं, माइथन एक डैम है, माइथन क्या है, एक डैम है। किस रिवर पे है, तो बराकर रिवर पे है, बराकर रिवर पे है। कहां पे सिचुएटेड है, तो धनबाद में, धनबाद में, ठीक है। सो इतना बीट मिला के देखो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। इस दो क्वेश्चन के अलावा ये सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया दसम फॉल किस रिवर की वजह से बनता है, कांची रिवर, लोद वाटरफॉल झारखंड का हाईएस्ट है। तो आप देखो अगर आप इतना पॉइंट याद करते हो ना, तो इस दो क्वेश्चन में लगभग, इस दो क्वेश्चन में लगभग आप 8-10 तैयार कर ले रहे हो, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टू ब्रदर नेम नीलांबर एंड पीताम्बर शाह हैड फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, दे वर लीडर्स ऑफ, कि दो ब्रदर की जो कहानी है, नीलांबर एंड पीताम्बर शाह जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ में फ्रीडम स्ट्रगल में लड़ाई लड़ी थी, वो पूछा जा रहा है कि किस ट्राइब से, किस जनजाति से बिलोंग करते थे, ठीक है। यही क्वेश्चन है हमारा कि नीलांबर एंड पीताम्बर शाह किस ट्राइब से बिलोंग करते थे, संथाल ट्राइब, खरवार ट्राइब, सबर ट्राइब, नॉन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है कि वो सबर ट्राइब से बिलोंग करते थे, सबर ट्राइब इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज सी, आप याद रखना, ठीक है। वैसे नीलांबर पीताम्बर ने, दोनों भाइयों ने मिलकर झारखंड के लिए बहुत कुछ किया है, आपको जगह जगह इनकी प्रतिमाएं देखने को मिल जाएगी, यूनिवर्सिटीज़ भी इनके नाम से है, इनफैक्ट मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ भी नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है। सो आप याद रखना कि नीलांबर पीताम्बर शाह जो थे वो सबर ट्राइब से बिलोंग करते थे, आंसर इज सी। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं कि झारखंड हैज 26% ऑफ इंडियाज रिजर्व फ्रॉम द फॉलोइंग, कि झारखंड के पास 26% रिजर्व किस चीज़ का है, कोल का है, कॉपर का है, आयरन का है, कि बॉक्साइट का है। अभी जस्ट मैंने जो पहला क्वेश्चन बताया, देखो मैंने क्या बताया था, झारखंड में आयरन और सेकंड रैंक 26%। मैं सारे बीट को एक जगह आपके लिए एक्युमुलेट कर देता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्या है कि झारखंड के पास 26% रिजर्व किसका है, तो भाई आयरन ओर का है, किसका है, आयरन ओर का है, सी इज द करेक्ट आंसर। देखो स्मार्ट स्टडी करना है, सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा,
स्मार्ट वर्क करना होगा। जब आप एक क्वेश्चन को पकड़ते हो ना, तो उसके इर्द गिर्द के सारे क्वेश्चन को पकड़ लो, ताकि एग्ज़ाम में आपको रिवीजन में आसानी हो, चीज़ों को रिकॉल करने में आसानी हो। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, 26% इज ऑफ झारखंड का किस चीज़ का है, तो आयरन ओर का है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो, माइथन डैम इज लोकेटेड इन, मैंने जो नो योर सेट का वीडियो बनाया है ना, उसमें डैम्स का मैंने अलग से एक लेक्चर लिया हुआ है, उसे मैंने बताया है हर इंपॉर्टेंट डैम्स के बारे में, और जितना डैम्स के बारे में बताया, आप देखो घूम फिर क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। अब माइथन डैम की बात है, माइथन डैम है कहाँ, गिरिडीह, रांची, धनबाद, जमशेदपुर। इस प्रश्न का उत्तर ही मैंने पहले क्वेश्चन में दे दिया। देखो, माइथन डैम, माइथन वाटरफॉल नहीं है, डैम है, बराकर रिवर पर है, और यह धनबाद में है। कहाँ है, धनबाद में है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, माइथन डैम इज लोकेटेड कहाँ, गिरिडीह, रांची, धनबाद की जमशेदपुर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, धनबाद इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें दो बातें यहां भी याद रखो आप, देखो देखो, बराकर जो रिवर है, एक रिवर है बराकर, इस रिवर पे दो डैम बने हुए हैं, इस पर दो डैम बने हुए हैं, पहला डैम है माइथन और दूसरा है तिलैया। ये दोनों डैम जो है धनबाद में सिचुएटेड है, ये डैम कहां है, धनबाद में सिचुएटेड है माइथन। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप याद रखा है, माइथन और तिलैया किस रिवर पे हैं, तो बराकर में, कहाँ है, धनबाद में। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अरुणा मिश्रा इज एन इंडियन, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि अरुणा मिश्रा एक्चुअली कौन है। ठीक है, एक आर्चर है, कि बॉक्सर है, कि वेट लिफ्टर है, कि हॉकी प्लेयर है। अरुणा मिश्रा इसमें से क्या है, तीरंदाजी से एसोसिएटेड है, बॉक्सिंग से एसोसिएटेड है, वेट लिफ्टिंग से, हॉकी प्लेयर है। शायद मैंने जो पिछला प्रैक्टिस सेशन कराया था, पहला या दूसरा, उससे मैंने अरुणा मिश्रा के बारे में बताया था, आज मैं फिर आपको बता रहा हूँ। अरुणा मिश्रा एक बहुत ही फेमस नाम है झारखंड का, वो एक बॉक्सर है। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी, अरुणा मिश्रा एक इंडियन वुमेन बॉक्सर है। ये जमशेदपुर की रहने वाली हैं, जो कि झारखंड में है, आप सबको पता होगा। और इन्होंने गोल्ड जीता है 2003 में, जो एशियन चैम्पियनशिप हुआ था उसमें, एशियन चैम्पियनशिप जो हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। 2004 में जो वर्ल्ड कप हुआ था बॉक्सिंग का, वो जीता है। और 2011 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड जीता है। तो अरुणा मिश्रा आप याद रखना, झारखंड की एक इमिनेंट पर्सनालिटी है, बहुत नामचीन व्यक्तित्व है इनका। अरुणा मिश्रा एक इंडियन वुमेन बॉक्सर हैं, जो कि झारखंड से बिलोंग करती हैं, जो जमशेदपुर के रहने वाली हैं, और इन्होंने गोल्ड जीता है कब कब, 2003 एशियन चैम्पियनशिप में, 2004 वर्ल्ड कप में, और 2011 वर्ल्ड पोल्यूशन फायर गेम्स में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, बी होगा। चलो हम आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, लांस नायक अल्बर्ट इक्का डाइड वाइल फाइटिंग इन द, पूछा जा रहा है कि अल्बर्ट इक्का साहब का जो डेथ हुआ, वो कौन सा जंग लड़ते हुए, कौन सा वार में उनकी जान गई, इंडो पाक वार 1971, इंडो पाक वार 1965, कारगिल वार, या इंडिया चाइना वार। ठीक है, सो मैं आपको बताऊं कि जो लांस नायक अल्बर्ट इक्का जी हैं, इनकी जो मौत हुई थी, डेथ हुई थी, वो इंडो पाक वार 1971 में हुई थी। अब देखो इनसे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन वो है जो आपके सामने है, आपसे पूछा गया कि अल्बर्ट इक्का साहब की जो मौत हुई थी वो किस वार में हुई थी, इंडो पाक वार 71, 65, कारगिल वार, या इंडो चाइना वार। तो सही उत्तर क्या है, ए, इंडो पाक वार 1971। लेकिन उसमें भी एक जंग हुई थी जिसे बैटल ऑफ हिली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ हिली, आप इसे भी याद रखना, बैटल ऑफ हिली। इस जंग में खासकर इनकी जान गई थी, जो उसी युद्ध का एक हिस्सा था, और इनको इस शहादत के लिए परमवीर चक्र मिला हुआ है, पीवीसी, परमवीर चक्र इनको दिया गया है, परमवीर चक्र इनको प्रदान किया गया है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड फॉर वैलोर है। कहने का मतलब बहादुरी, वीरता, भारत का वीरता के लिए सबसे ऊंचा जो पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है, जो कि अल्बर्ट इक्का साहब को मिला था, जो कि इंडो पाक वार 1971 में मरे थे। बैटल ऑफ हिली भी कहीं कहीं आपको ऑप्शन में दे देगा,
तो आप देखना या तो 1971 का वार हो या बैटल ऑफ इली, इन दोनों से लैंस नायक एल्वेटिका साहब एसोसिएटेड है और इनको परमवीर चक्र मिला हुआ है। मैंने जब झारखंड के इमिनेंट पर्सनालिटी को कवर किया था तो वहाँ पे मैंने इनका जिक्र किया था और पीवीसी का भी जिक्र किया था, ठीक है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि द मोस्ट फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक ड्यूरिंग द ब्लैक मून, कि इनमें से चार जो पर्व दिए हुए हैं इसमें से ब्लैक मून को कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, जावा, सरहुल, बंदना या कर्मा। तो जो करेक्ट आंसर है, अच्छा मैंने अपने वीडियो में वहां भी इसे कवर किया है, मैं बार बार आपको इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि उस वीडियो को बनाने मैंने काफी मेहनत करी है। अगर आप उस ए हार्डली मुझे लगता है यार कि दो से तीन घंटे का वीडियो है तीनों, आप देख लोगे ना आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन। सो जो फेस्टिवल ब्लैक मून को सेलिब्रेट होता है वो है बंदना। सी इज द करेक्ट आंसर, बंदना। अब देखो मैं इससे रिलेटेड दो तीन पॉइंट दे रहा हूँ, आप जरूर याद रखना ताकि आपको याद रखने में भी आसानी हो और आप सॉल्व भी कर पाओगे कुछ और क्वेश्चंस को भी। देखो बंदना जो फेस्टिवल है ना, और एक फेस्टिवल है सोहराई, बंदना और सोहराई, ये दोनों जो फेस्टिवल है ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल या पेट के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब ये जानवरों के लिए, जो पालतू पशुए हैं इनके नाम पे इस पर्व को मनाया जाता है। इसमें जानवरों की पूजा की जाती है, उनको नहला धुला कर उन्हें सिंदूर का टीका लगाया जाता है, उन्हें फूल माला पहनाया जाता है। और ये जो बंदना है ये जो है ये ब्लैक मून को सेलिब्रेट होता है, ब्लैक मून को। लेकिन ये जो सोहराई है ये ठीक दिवाली के तुरंत बाद न्यू मून को सेलिब्रेट किया जाता है, न्यू मून को सेलिब्रेट किया जाता है जस्ट आफ्टर दिवाली, जस्ट आफ्टर दिवाली। सो दो ऐसे पर्व है जो खासकर डोमेस्टिकेटेड एनिमल पेट के लिए है, वो है एक बंदना और दूसरा है सोहराई। ये दोनों डोमेस्टिकेटेड एनिमल पेट के लिए है। बंदना ब्लैक मून को सेलिब्रेट होता है, सोहराई जो है ठीक दिवाली के तुरंत बाद या न्यू मून को सेलिब्रेट होता है। तो आप जब ऐसे याद करते हो ना तो आपको एक से अधिक क्वेश्चन याद होते हैं और आपको एग्जाम के समय रिकॉल करने में आसानी होती है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कि वो फेस्टिवल जो ब्लैक मून को सेलिब्रेट होता है वो इनमें से कौन सा है, जावा, सरहुल, बंदना, कर्मा। सो बंदना इज द करेक्ट आंसर, सी, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड मेनली बाई अनमैरिड ट्राइबल गर्ल फॉर गुड फर्टिलिटी एंड फैमिली। आपसे पूछा है एग्जामिनर ने कि इन चारों पर्व में से कर्मा, जावा, रोहिणी, बंदना में से अनमैरिड गर्ल फर्टिलिटी और फैमिली की भलाई के लिए कौन से पर्व को, त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। सो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है जावा। जावा इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो जावा ऐसा पर्व है जिसको अनमैरिड गर्ल जो होती हैं, अविवाहित लड़कियां, वो सेलिब्रेट करती हैं ताकि उनका परिवार अच्छे से बढ़ सके, फैमिली अच्छी बने, ठीक है। और बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि लोग एक बास्केट में जर्मिनेटिंग सीड जो होता है ना, जो सीड जस्ट मतलब कि ग्रो करना शुरू होता है, उनकी पूजा वूजा करते हैं ताकि उनका ऐसा मानना है कि इससे उनका फैमिली का बॉन्डिंग, उनका अपना आने वाला जिंदगी, उनके वंश में वृद्धि, फर्टिलिटी और लव बॉन्डिंग फैमिली के बीच में अच्छा रहेगा, ठीक है। सो जावा ऐसा पर्व है, सो बी जावा इज द करेक्ट आंसर। ये पर्व अनमैरिड गर्ल्स सेलिब्रेट करती हैं फॉर देयर गुड फर्टिलिटी एंड फैमिली, ओके। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि सरदारी मूवमेंट जो हुआ था उसका मेन रीजन क्या था, कि सरदारी मूवमेंट एक हुआ था, सरदारी आंदोलन, उसका मेन रीजन इनमें से क्या है। पहला कि क्रिश्चियन का कन्वर्जन और इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बाई संसारी हो रहा हो, कि क्रिश्चियन का जो कन्वर्जन चल रहा था और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो था वो एक रीज़न था। दूसरा कि फार्मर का स्टेशन ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फोर्स लेबर, कि फोर्स लेबर की वजह से फार्मर का जो स्टेशन बढ़ा वो एक रीज़न था। द इंक्रीज इन द रेंट बाई मिडिल मैन बाई लीगल मीन्स, कि जो उनका रेंट में वृद्धि कर दी गई थी मिडिल मैन जो बिचौलिए थे उनके वजह से, वो एक रीज़न था। या डी बोथ बी एंड सी, सरदारी आंदोलन का मुख्य रीजन क्या था। किसी को याद है सरदारी आंदोलन के बारे में? मैं आपको सरदारी आंदोलन के बारे में कुछ पॉइंट्स देने वाला हूं, आप उतना जरूर याद रखना अगर आपको कुछ और नहीं याद तो, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का सरदारी मूवमेंट का मेन रीजन था, आंसर होगा डी बोथ बी एंड सी। पहला तो मेन रीजन था,
कि फार्मर सेसेशन ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फोर्स लेबर, और सेकेंड की इंक्रीज इन द रेंट बाय मिडिलमैन बाय इलीगल मीन्स। अब देखो सरदारी मूवमेंट, सरदारी मूवमेंट जो है ना लगभग 1858 से, सरदारी मूवमेंट जो है ना वो लगभग 1858 से 95 तक के बीच में चला। अब देखो सरदारी मूवमेंट हुआ क्या, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, ये मूवमेंट किस फिलॉसफी पे बेस्ड है। तो जो फिलॉसफी है सरदारी मूवमेंट की वो थी कि आदिवासी वेयर द फर्स्ट टू क्लियर द लैंड ऑफ छोटा नागपुर, द लैंड ऑफ छोटा नागपुर। सो दे हैव ऑल फ्री राइट, दे हैव ऑल फ्री राइट, फ्री राइट एनीवेयर इन छोटा नागपुर लैंड, छोटा नागपुर लैंड। इनका कहने का मतलब था कि आदिवासी ही जो है ना वही छोटा नागपुर लैंड के असल मालिक है, सरदार है, ठीक है, वो कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। पर हुआ क्या है कि देखो ब्रिटिश का इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद और लैंडलॉर्ड्स का वहाँ दबदबा काफ़ी बढ़ा, वहाँ के जो जमींदार थे वो भी थोड़े क्रूएल नेचर के थे, इन्होंने क्या किया ना कि जो किसान थे जो कि एग्रीकल्चरिस्ट थे उन सब से उनकी ज़मीन की सरदारी छीन ली, मतलब मालिकाना हक छीन लिया, और उनसे वो उन्हीं के ज़मीन पर रेंट लिया करते थे, उनके आने जाने में बहुत जगहों पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा के रखा हुआ था। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर और वहाँ के जो किसान थे ना उनको फोर्स लेबर के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, फोर्स किया जा रहा है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फोर्स लेबर, जिसके वजह से वहाँ के जो कृषक थे, किसान थे, काफ़ी दुखी थे, प्लस उनका जो रेंट था ना वो अब्रप्टली बढ़ा दिया गया था। तो इन सब बातों को लेकर सरदारी मूवमेंट स्टार्ट किया गया कि नहीं, उनका ये मानना था कि ये जो ज़मीन है हमने जंगल से बनाया है, कहने का मतलब कि दे हैव प्रोक्लेम्ड दिस लैंड फ्रॉम फॉरेस्ट, सो हम किसी को रेंट क्यों दें। और इस मूवमेंट को सबसे ज़्यादा बल कब मिला, ये पीक पे कब गया, जब 1895 में भगवान बिरसा मुंडा ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। अगर आप भगवान बिरसा मुंडा का स्पीच भी सुनोगे ना, उन्होंने जो कहते थे तो उनका देर इज हिज स्पीच वॉज पार्टली स्पिरिचुअल इन नेचर एंड पार्टली रिवोल्यूशनरी इन नेचर, ठीक है, मतलब एक तरह से कुछ बातें आपको लगता था कि ये स्पिरिचुअल की तरफ जा रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ की बातें हैं, कुछ रिलीजियस थॉट्स थे और कुछ क्रांतिकारी उनके उनका सोच भी था, तो उनसे मिला जुला था। तो उनका ये बोलना था कि नहीं, आदिवासी जो हैं इन्होंने जंगल से प्रोक्लेम करके इस लैंड को बनाया है तो हम रेंट क्यों देंगे। और बेसिकली ब्रिटिश का इन्फिल्ट्रेशन, वहाँ के जमींदार लोग सब मिल के जो छोटा नागपुर लैंड को एक्सप्लॉयट कर रहे थे, एक वहाँ के जो खेतीहर थे उनको फोर्स लेबर में जबरदस्ती काम करवाया था, उनका रेंट बढ़ा दिया गया था, इन सब बातों को लेकर ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सो सरदारी मूवमेंट के बारे में आप याद रखना कि इनका बेसिक फिलॉसफी जो है, ये क्वेश्चन आया है कि व्हाट वाज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ सरदारी मूवमेंट। सो आदिवासी वेयर द फर्स्ट टू क्लियर द लैंड ऑफ छोटा नागपुर, सो दे हैव ऑल इनएलिनेबल राइट टू फ्री एनीवेयर इन छोटा नागपुर लैंड, ठीक है। और ये मूवमेंट पीक पे कब गया, 1895 में, ये मूवमेंट पीक पे कब था, 1895 में जब भगवान बिरसा मुंडा इसको सपोर्ट किए थे, ठीक है। अब मेन रीजन तो आपको मैंने बता ही दिया है, और बेसिकली ये जो मूवमेंट था ये अगेंस्ट जमींदार लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में किया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, डी होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, द फर्स्ट ट्राइबल लीडर टू पिकअप वेपन अगेंस्ट ब्रिटिश, कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ पहले ट्राइबल लीडर कौन थे जिन्होंने हथियार उठाया था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ पहले ट्राइबल लीडर कौन थे जिन्होंने हथियार उठाया था। बहुत लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, द करेक्ट आंसर इज तिलक मांझी, सी इज द करेक्ट आंसर, तिलक मांझी वो पहले ट्राइबल लीडर थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ हथियार उठाया था। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 बोलता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2018, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2018 का जो रिपोर्ट आया जिसे कि UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड OPHD ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ने मिलकर बनाया था, उन्होंने झारखंड के बारे में क्या व्यूज एक्सप्रेस किया, मतलब UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और OPHD
ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इन दोनों ने मिलके ये मल्टी पॉवर्टी मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स 2018 में रिपोर्ट बनाया था। उसमें झारखंड को लेके क्या व्यूज दिया था, इस रिपोर्ट में इन दोनों ने झारखंड को लेके क्या व्यूज दिया था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला कि झारखंड एग्जिबिट मिनिमल ग्रोथ, झारखंड का ग्रोथ सबसे मिनिमम है। दूसरा कि झारखंड एग्जिबिट मैक्सिमम ग्रोथ, ग्रोथ ज़्यादा है। तीसरा कि झारखंड डिड नॉट शो एनी डेवलपमेंट एट ऑल, कि झारखंड में किसी भी तरह का कोई ग्रोथ हुआ ही नहीं है। एंड चौथा कि नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इसमें से कोई सही नहीं है। तो देखो मैं आपको बताऊं कि यूएनडीपी और ओपीएचडी ने जो रिपोर्ट 2018 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के नाम से दिया था, उसमें झारखंड के बारे में इन्होंने बोला कि झारखंड ने मैक्सिमम ग्रोथ एग्जिबिट किया है। बी इज द करेक्ट आंसर, कि झारखंड हैज एग्जिबिट मैक्सिमम ग्रोथ, कि झारखंड ने कैसा ग्रोथ एग्जिबिट किया है, मैक्सिमम ग्रोथ एग्जिबिट किया है। इसमें आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ही जानना है कि यूएनडीपी और ओपीएचडी के रिपोर्ट के हिसाब से झारखंड में ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ झारखंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग वेज, कि अगर आप झारखंड का एग्रीकल्चर इकोनॉमी को आप देखते हो तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं इसमें से कौन कैरेक्टरिस्टिक सबसे अच्छा तौर से बता पाता है कि भाई झारखंड का एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसा है। आपके पास पॉइंट क्या क्या है? पहला पॉइंट है कि झारखंड का जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो डिपेंड करता है नेचर पे, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम चाहिए। सिंगल पैडी क्रॉप ही उसका एक मेन क्रॉप है। थर्ड है कि इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी एंड स्मॉल एंड मार्जिन होल्डिंग्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो झारखंड का जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उसको बेस्ट एक्सप्लेन इनमें से कौन से पॉइंट के द्वारा किया जा रहा है? सो करेक्ट आंसर होगा डी, सारे पॉइंट्स के द्वारा किया जा रहा है। डी इज द करेक्ट आंसर। देखो झारखंड का जो इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी है ना, उसको आप देखोगे कि वो नेचर डिपेंडेंट है, इन्वेस्टमेंट कम लगता है, अच्छे से इरीगेशन फैसिलिटी वहाँ पर नहीं है, पैडी क्रॉप जो है वो मेन क्रॉप के रूप में यूज होता है, वो भी सिंगल पैडी क्रॉप। सो ये तीनों पॉइंट्स जो है ना झारखंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अच्छा देखो बहुत बार क्वेश्चंस में जब इस तरह का ऑप्शन आना, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, डी का ऑप्शन रहता है जहाँ ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, बी सी इज करेक्ट, तो बहुत स्टूडेंट ने एक परसेप्शन बना लिया है कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा ना तो हमेशा ऑल ऑफ द अबव अगर दिया है तो हम उसी को हिट करेंगे। मैं एक बार लगभग 2018 की बात है जब मैं आईएएस का पेपर लिख रहा था ना, सो उसमें लगभग 1 से 30 प्रश्न में लगभग 17 क्वेश्चंस का आंसर डी था, जिसमें ऐसे ही ऑप्शंस दिए हुए थे। तो देखो जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगते हो ना तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ पर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा कि नॉन ऑफ दीज होगा। ऐसा नहीं कि आप एक माइंडसेट लेके ही जाओ कि भाई डी इस तरह का ऑप्शन दिख रहा है मुझे ऑल ऑफ द अबव तो हम उसको हिट करेंगे। नहीं, अगर आपको जानकारी नहीं है ना तो आप इस परसेप्शन से बाहर निकलो। ऐसा नहीं है कि बार बार यही होता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जो ये सोच कर रखे हुए थे कि नहीं इस तरह क्वेश्चन आएगा तो लगभग डी वाला ऑप्शन ही करेक्ट होता है। देखो कभी कभार हो जाता है, पर बेहतर है पहले आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, अगर आपको पॉइंट्स नहीं आते तो आप नहीं करो उस क्वेश्चन को, ठीक है? तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर तो आंसर डी था। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 देखो क्या बोलता है कि थ्री स्टाइल ऑफ छऊ डांस आर सीन, दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेयर दे डेवलप्ड, कि छऊ डांस के तीन प्रकार आपको देखने को मिलते हैं और उनका जो नाम है वो जिस प्लेस पे जहाँ उनका जो विकसित हुए हैं उनके आधार पर रखा गया है। द नेम ऑफ द प्लेस इन झारखंड इज, अब छऊ डांस आपसे पूछा है कि झारखंड में कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पर छऊ डांस विकसित हुआ है, ठीक है? सो आपके पास ऑप्शन क्या है कि मयूरभंज, पुरुलिया, सरायकेला, कोडरमा, और आपसे पूछा क्या है कि छऊ डांस विकसित कहाँ हुआ है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सरायकेला। सरायकेला इज द करेक्ट आंसर। सरायकेला ही वो जगह है जहाँ पे छऊ डांस विकसित हुआ है। सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलो हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? देखो बोल रहा है कि एक फॉक डांस है झारखंड में, उसे एक पेड़ के नाम पर रखा गया है, इनमें से कौन सा है? कि दिस फॉक डांस फ्रॉम झारखंड वाज नेम्ड आफ्टर ए ट्री। तो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फॉक डांस है जो एक पेड़ के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन इज पाइका, कर्मा, छऊ एंड संथाल। सो बहुत लोगों को पता होगा कर्म का पेड़ होता है, सो कर्मा इज द करेक्ट आंसर।
बी कर्मा इज द करेक्ट आंसर। इसी कर्म का एक पेड़ भी होता है, ठीक है, उसी पेड़ का नाम पे इस फोक डांस का नाम रखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, दिस इज ए फोक डांस परफॉर्म्ड इन द ग्रूम्स फैमिली ड्यूरिंग मैरिज। की शादी के समय दूल्हे का परिवार जो डांस करता है वो इनमें से कौन सा डांस है, पैका है, छऊ है, दमकच है कि लहसुआ है। देखो मैंने अपने वीडियो में डांस फेयर फेस्टिवल सबको कवर किया है। मैं देख रहा हूँ कि लगभग हर जेपीएससी के प्रश्न में ना एक दो क्वेश्चन डांस से रहते ही हैं, इसलिए मैंने तीन चार डांस के क्वेश्चंस को एक जगह निकाल के आपको दे दिया फोक डांस से जो रिलेटेड है। मुझे उम्मीद है कि इसमें से एक आध क्वेश्चन तो जरूर आएगा, ठीक है। सो यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है कि कौन सा फोक डांस ऐसा है जिसको दूल्हे का परिवार शादी में प्रयोग करता है नाचने में परफॉर्म करने में, पाइका है, छऊ है, दमकच है, लसुआ है। तो आंसर जो होगा वो दमकच होगा, सी दमकच वैसा वो फोक डांस है जिसे दूल्हे का परिवार शादी में परफॉर्म करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, सी होगा। अब चलो देखते हैं 17। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडो आर्यन लैंग्वेज। इनमें से अंगिका, नागपुरी, कोरवा, सादरी, इन चारों में से इंडो आर्यन लैंग्वेज कौन सा नहीं है, ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा लैंग्वेज है, कौन सी भाषा जो इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती है। सो मैं आपको बताऊं कि अंगिका बिलोंग करती है, नागपुरी बिलोंग करती है, सादरी भी बिलोंग करती है, कोरवा जो है, कोरवा एक इंडो आर्यन लैंग्वेज नहीं है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप इसका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लो मुझसे। देखो कहीं आपको मिलेगा कोरवा, लेकिन एक्चुअली ये लिखाता है कोरवा, या आप बहुत जगह देखना कोडाकू। ये तीनों जो लैंग्वेज है, तीनों जो भाषाएं हैं, ये एक्चुअली में ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली ग्रुप से बिलोंग करती है, फैमिली ग्रुप ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करती है, ग्रुप ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं। तो अगर आपको ऑप्शन मिल जाए, देखो अंगिका, नागपुरी, सादरी, ये तो भाई इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप है, लेकिन कोरवा, कोड़वा या कोडाकू, ये तीनों जो है ऑस्ट्रो एशियन फैमिली ग्रुप ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करती है, जिसका स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी है, जिसका स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी है। आप इतना बात जरूर याद रखना। और अगर अभी उसने कोरवा पूछा है, हो सकता है कोडाकू भी पूछ ले, ठीक है। तो मैं आपको ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अगर ये तीनों भाषाएं आप कहीं भी देख लो तो आप समझ लेना कि ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली ग्रुप ऑफ लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, जिसके स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन क्या हुआ, सी। अब 18 देखते हैं, हु इन्वेंटेड द संथाली स्क्रिप्ट ओई चिक्की। इस जो संथाली स्क्रिप्ट ओई चिक्की है, इसे किसने इन्वेंट किया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 18 का, पंडित रघुनाथ मुर्मू। इसका करेक्ट आंसर क्या है, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली स्क्रिप्ट ओई चिक्की को इन्वेंट किया था, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। देखो चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक है, जहां मुझे एक्स्ट्रा बिट बताना है मैं वहीं रुक रहा हूं, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और हमें जेपीएससी के प्री से पहले हम काफ़ी ट्राई करेंगे प्रैक्टिस सेशन, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन को सॉल्व कर ले ताकि एग्जाम के दिन फायदा हो। सो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में निकल रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, एस्बेस्टस जो है वो झारखंड में कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट में, गिरिडीह, कोडरमा, दुमका, बोथ ए एंड बी। तो मैंने अपना जो वीडियो था उसमें बताया है एस्बेस्टस के बारे में, कहाँ पाया जाता है। बेसिकली एस्बेस्टस झारखंड में इन दोनों जगहों में पाया जाता है, गिरिडीह, कोडरमा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी, गिरिडीह और कोडरमा, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में एस्बेस्टस पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलो क्वेश्चन 20 को देखो, ये बोल रहा है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉपुलेशन झारखंड में कहां था। आपको चार ऑप्शन दिया गया है कि 2011 लास्ट सेंसस कब हुआ है, 2011 में ही हुआ, जनगणना कब हुई, 2011 में हुई है। सो ये पूछ रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट, झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे लो पॉपुलेशन था, ठीक है। पहला है खूंटी, दूसरा है लातेहार, तीसरा है पाकुड़, चौथा है लोहरदगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, लोहरदगा वो डिस्ट्रिक्ट है जिसका 2011 के सेंसस के हिसाब से लोएस्ट पॉपुलेशन है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन 21 को देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सौभाग्य योजना
स्टार्टेड बाय रघुवर दास इज टू मेक ब्लैंक अवेलेबल टू ऑल द विलेजर्स अक्रॉस झारखंड। कि जो सौभाग्य योजना स्टार्ट किया गया था उसके तहत में एक्चुअली क्या देने की कोशिश की गई थी, स्वच्छ पानी, बिजली, सुलभ शौचालय या फ्री एजुकेशन। तो देखो ये जो सौभाग्य योजना है, अब इसके बारे में दो तीन पॉइंट बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से रखना। देखो सौभाग्य योजना नहीं, एक भारत सरकार की योजना है, ठीक है। रघुवर दास चूंकि बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास जी भी बीजेपी में थे तो इसलिए वहां दे दिया गया है। सौभाग्य योजना के तहत इस योजना को 25 सितंबर, इस योजना को 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट किया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती पे। दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती पे इस योजना का शुभारंभ किया गया था 25 सितंबर 2017 को। और इसमें सिर्फ झारखंड की ही बात नहीं है, ये देखो तो ये जो सौभाग्य योजना है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी की हर गांव में बिजली सही ढंग से पहुंच जाए इसके लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। तो झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, जितने भी ऐसे गाँव हैं जहाँ पे बिजली नहीं पहुँची है, उन सारे जगहों में बिजली पहुँचाने का टारगेट भारत सरकार ने रखा था। और ये इसीलिए सौभाग्य योजना जो है किससे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है। ये 25 सितंबर 2017 को लॉन्च हुआ था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पे, ये भारत सरकार की एक योजना है, ठीक है। तो आप इतना याद रखना। सो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो, द फेमस चुट्टूपालू वैली नोन एज ललकी घाटी इज लोकेटेड इन दिस डिस्ट्रिक्ट। कि चुट्टूपालू वैली जो है, जिसे कि ललकी घाटी भी कहते हैं, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। ललकी घाटी या चुट्टूपालू वैली, आप देखना दोनों एक ही नाम है, ये एक्चुअली रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है, रामगढ़ में है, बहुत लोगों को पता भी होगा, ठीक है। सो आंसर क्या है इसका, आंसर इज ए, चुट्टूपालू वैली या ललकी घाटी कहाँ है, तो रामगढ़ में है। सो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है ए, रामगढ़ है। 23 देखो, आइडेंटिफाई द मिसमैच। अब इसमें से बताओ कि कौन सा गलत है। मैंने लगभग 10 या 11 टेम्पल का जिक्र किया था, आप जाके देखना योर स्टेट में, उसी में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। बैद्यनाथ टेम्पल सबको पता है देवगढ़ में है, तो ये मिसमैच तो है नहीं। जगन्नाथ टेम्पल मैक्सिमम को पता है रांची में है, तो ये भी मिसमैच नहीं है। अब ये दोनों देखो, तपोवन टेम्पल क्या रामगढ़ में है और हल्दीघाटी टेम्पल गुमला में है, तो मैं आपको बताऊं कि हल्दीघाटी टेम्पल भी गुमला में है, तपोवन टेम्पल ये मिसमैच है। तपोवन टेम्पल कहाँ है, तपोवन टेम्पल एक्चुअली में देवघर में है। कहाँ है, देवघर में है। तपोवन टेम्पल एक्चुअली कहाँ है, तो देवघर में है, याद रखना जिनको पता नहीं है। सो बी द करेक्ट आंसर, ये मिसमैच है। बैद्यनाथ टेम्पल, बासुकी टेम्पल, तपोवन टेम्पल सब देवघर में है, हल्दीघाटी गुमला में है, जगन्नाथ टेम्पल रांची में है, सन टेम्पल कहाँ है, सन टेम्पल भी रांची में ही है, याद रखना आप, ठीक है। सो 23 का आंसर क्या होगा, बी होगा। अब देखो 24, द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मेक्स अप ब्लैंक ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड। झारखंड में कितना परसेंट फॉरेस्ट है, झारखंड में कितना परसेंट फॉरेस्ट है, लगभग 29 से 30%। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया झारखंड में कितना है, लगभग 29 से 30%, यहाँ बी है। सो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बी 29.61। कहीं आपको 29 मिलेगा, कहीं 29.6 मिलेगा, कहीं 30 मिलेगा। तो बेसिकली झारखंड में जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है ना, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो लगभग 29.6% है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन 25 को देखते हैं। क्वेश्चन 25 में आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप इसको जरूर से जरूर याद रखना कि झारखंड में फॉरेस्ट टाइप जंगल के प्रकार कितने हैं, इनमें से कौन कौन प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। क्या ट्रॉपिकल ह्यूमिड डिसीडियस, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस, सब ट्रॉपिकल एक्सटेंसिव माउंटेन फॉरेस्ट या ऑल ऑफ दीज। झारखंड हैज फॉरेस्ट टाइप, इनमें से कौन कौन टाइप के फॉरेस्ट झारखंड में पाए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ दीज। आप डायरेक्टली याद रखो, जिन्होंने बहुत कुछ नहीं पढ़ रखा फॉरेस्ट के बारे में, आप इसको जरूर याद रखना। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, कि झारखंड में फॉरेस्ट टाइप कैसा है। ये तीनों टाइप के हैं, ट्रॉपिकल ह्यूमिड भी है, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस भी है, सब ट्रॉपिकल एक्सटेंसिव माउंटेन फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल थ्रीज। ये तीनों टाइप के फॉरेस्ट टाइप झारखंड में पाए जाते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखो कि लावलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। लावलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? मैंने बहुत विस्तृत से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करी थी, कब बना, कितने स्क्वायर फीट में है, ठीक है, किसके आसपास है, किस सिटी में है, पिक्चर से मैंने दिए थे, किस किस चीज़ के लिए, कौन सा फ्लोरा फौना के लिए फेमस है, मैंने वो सब बताया हुआ था। वहाँ ही मैंने लावलोंग का जिक्र किया था। अभी मैं सिंपली बता दे रहा हूँ आपको कि लावलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है चतरा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? चतरा डिस्ट्रिक्ट में है। बी इज़ द करेक्ट आंसर कि लावलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये चतरा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखो, आफ्टर द स्टेट ऑफ झारखंड वॉज फॉर्म्ड, कितनी बार झारखंड बनने के कितनी बार प्रेजेंट रूल लग चुका है, राष्ट्रपति शासन झारखंड बनने के बाद कितनी बार अभी तक लग चुका है? दो बार, तीन बार, चार बार कि पांच बार? सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, तीन बार, थ्री टाइम्स। झारखंड बनने के बाद अभी तक तीन बार झारखंड में प्रेजेंट रूल लग चुका है। पहला आपका है 19 जून 2009, फिर जहाँ तक मुझे याद है शायद जून 2010 में लगा हुआ है, और फिर जैन 2013 में लगा हुआ है। अच्छा, मैंने एक वीडियो में कहीं बोल दिया था कि राष्ट्रपति शासन दो ही बार लगाया, तो नहीं, मैंने वहाँ गलत बोला था। प्रेसिडेंट रूल झारखंड में तीन बार लग चुका है, मैंने सिर्फ 2009-13 का जिक्र किया था, लेकिन 2010 में भी ज़्यादा नहीं, कम दिन के लिए ही, लेकिन प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। सो थ्री टाइम्स बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, द एरेबल लैंड इन झारखंड इज, चूज द बेस्ट आंसर। आपसे पूछा है एरेबल लैंड कितना है झारखंड में, और आपसे बोला भी है कि बेस्ट आंसर को चूज करो। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास है 48 लाख हेक्टेयर, 38 लाख हेक्टेयर, 79 लाख हेक्टेयर, 59 लाख हेक्टेयर। तो टोटल एरेबल लैंड कितना है झारखंड में? देखो ये फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ आपको सीधे फैक्ट्स याद रखने हैं। सो और आपसे पूछा बेस्ट आंसर दो, लगभग 36 लाख हेक्टेयर के आसपास है, 36 पॉइंट समथिंग है, जो कि यहाँ जाता है 38 के आसपास। सो बी इज द करेक्ट आंसर, टोटल एरेबल लैंड कितना है झारखंड में, तो लगभग 38 लाख हेक्टेयर। कितना है? लगभग 38 लाख हेक्टेयर एरेबल लैंड है झारखंड में। सो बी इज द करेक्ट आंसर, आप इसको याद रखो, इसको आपको फैक्ट्स याद रखने ही होंगे, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा बीट जानने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? प्रेसिडेंट रूल, इसको आप ध्यान से देना, ध्यान से याद रखना है, क्वेश्चन रिपीट होगा शायद। तो ये थ्राइस तीन बार लग चुका है, और एरेबल लैंड 38 लाख हेक्टेयर है। अब क्वेश्चन 29 देखो, ये पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस झारखंड का कैसा है, द एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस ऑफ झारखंड इज, ठीक है। ऑप्शन क्या है? मच हायर देन द नेशनल एवरेज। एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस झारखंड का क्या नेशनल एवरेज से ज़्यादा है या कम है या उसके बराबर है या उसके एवरेज का भी एवरेज है, ठीक है। सो मैं बताऊं कि जो एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस झारखंड का है ना, वो मच लोअर देन द नेशनल एवरेज। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, कि जो एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस है झारखंड का और नेशनल एवरेज से भी बहुत कम है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, इन झारखंड द शेयर ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड यूज फॉर कैश क्रॉप इज, बोल रहा है कि कितना परसेंट कल्टिवेटेड लैंड आप कैश क्रॉप के लिए यूज करते हो झारखंड में। आपको पता है कैश क्रॉप? अच्छा नहीं पता, हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। झारखंड में कितना परसेंट कल्टिवेटेड लैंड आप कैश क्रॉप के लिए यूज करते हो? 15%, 20%, 10% की 5%? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, 5%। लगभग 6% के आसपास हम लैंड यूज करते हैं। सो अगर आप अप्रॉक्सीमेटली करीब जो आंसर है वो डी है, 5%, कि 5% कल्टिवेटेड लैंड जो है कैश क्रॉप के रूप में हम झारखंड में यूज करते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर, 5%, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, कि विच एजेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन झारखंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कि झारखंड के बनने के बाद झारखंड में जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उनका डेवलपमेंट के लिए किस एजेंसी को जिम्मा सौंपा गया था, या कौन सा एजेंसी उसकी जिम्मेदार है? ऑप्शन इज JSPCB, सेकेंड इज JSCCAU, थर्ड इज JEREDA, JREDA एंड फोर्थ इज JPDREA, ठीक है। सो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको सबका फुल फॉर्म पता है ना, तो आप ऐसे ही बता दोगे इस क्वेश्चन का आंसर। द करेक्ट आंसर कि जो झारखंड में रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार है वो है JEREDA। सी इज द करेक्ट आंसर। देखो JEREDA का फुल फॉर्म क्या है, आप यही समझ जाओगे। JEREDA का फुल फॉर्म है झारखंड रिन्यूएबल
एनर्जी डेवलपमेंट और यह है एजेंसी। तो देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि झारखंड में रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए कौन एजेंसी जिम्मेदार है, तो जेरेडा जिम्मेदार है, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, जेरेडा का काम ही है, एक्चुअली जेरेडा के बारे में एक दो पॉइंट आप और एक्स्ट्रा याद रखो। झारखंड के बनने के बाद जेरेडा को 2001 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। कब इनकॉर्पोरेट किया गया? 2001 में। इसका मेन काम यही है कि भाई झारखंड में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको कितना अच्छे से हम हार्नेस कर पाए उसका डेवलपमेंट के लिए यही जिम्मेदार है। और एक किस इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। इसको कंट्रोल कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी इसको कंट्रोल करता है। तो इतनी बातें आप याद रखो कि जेरेडा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये 2001 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और इसको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल्ड बाय, यहाँ लिख लो, कंट्रोल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखो, क्वेश्चन नंबर 32 भी एक फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन है। ये पूछ रहा आपसे कि चीफ मिनिस्टर एग्रीकल्चर स्कीम के तहत दिसंबर 2018 में झारखंड सरकार ने किसानों के लिए कितना ऐड अनाउंस किया। चीफ मिनिस्टर, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर एग्रीकल्चर स्कीम के तहत दिसंबर 2018 में झारखंड सरकार ने फार्मर के लिए कितना ऐड अनाउंस किया था? वो है 2250 करोड़। कितना है? बी, 2250 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। कि झारखंड सरकार ने दिसंबर 2018 में चीफ मिनिस्टर एग्रीकल्चर स्कीम से किसानों को लगभग 2250 करोड़ की राहत कोष राशि आवंटित की थी। ठीक है, सो 32 का आंसर क्या हो गया? बी, बी इज द करेक्ट आंसर। अब 33 देखो, द ओरिजिन ऑफ रिवर दामोदर इन झारखंड, झारखंड में जो दामोदर रिवर नदी बहती है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसका उद्गम स्थान क्या है? गुप्त गंगा माउंटेन, देवघाट, त्रिकुट माउंटेन, पद्मा हजारी बाग, लातेहार, छोटा नागपुर प्लेटू। तो देखो, दामोदर रिवर जो दामोदर नदी है वो झारखंड में लातेहार के छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। इसका ओरिजिन क्या है? लातेहार, छोटा नागपुर प्लेटू। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आप डायरेक्टली इसको याद रखो फिलहाल अभी। ठीक है, दामोदर नदी का जो उद्गम स्थान है वो क्या है? लातेहार, छोटा नागपुर प्लेटू। डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 34 को देखो, बेस्ड ऑन द स्पोर्ट्स दैट द प्लेयर आर एसोसिएटेड विथ प्लीज आइडेंटिफाई द मिसमैच। यहां भी आपसे मिसमैच पूछा है। कुछ प्लेयर्स का नाम दे दिए हैं, उनके सामने इन्होंने उनके खेल के नाम दे दिए हैं और आपसे पूछा है कि इसमें से मिसमैच कौन सा है। तो देखो, दीपिका कुमारी बहुत ही फेमस नाम है झारखंड में जो तीरंदाजी से एसोसिएटेड हैं, तो दीपिका कुमारी आर्चरी, ये तो सही है। अब MSD महेंद्र सिंह धोनी सबको जानता है, ये क्रिकेट से एसोसिएटेड है। जयपाल सिंह मुंडा, ये वो व्यक्ति हैं, मैंने जब झारखंड पे वीडियो बनाई थी पहली वीडियो कि झारखंड बिहार से अलग हुआ ही क्यों, झारखंड की जरूरत पड़ी ही क्यों, उससे मैंने इनका जिक्र किया था। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने झारखंड के बारे में सोचा था, ये नाम उठाया था कि झारखंड बनना चाहिए। ये भी हॉकी से एसोसिएटेड है। लेकिन प्रतिमा कुमारी, ये देखो, ये जो प्रतिमा कुमारी है यही मिसमैच है। सी इज द करेक्ट आंसर। देखो, प्रतिमा कुमारी एक रेसलिंग की, ये प्रतिमा कुमारी जो है वो रेसलिंग से एसोसिएटेड नहीं है, ये एक इंडियन वेट लिफ्टर है। क्या है? वेट लिफ्टर, याद रखना, ये वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है। ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है? वेट लिफ्टिंग से। प्रतिमा कुमारी आप याद रखना वेट लिफ्टिंग, दीपिका कुमारी आर्चरी, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट और जयपाल सिंह मुंडा हॉकी। सो सी इज द करेक्ट आंसर, यही मिसमैच है। प्रतिमा कुमारी किस गेम से एसोसिएटेड है? तो इंडियन वेट लिफ्टिंग, ये एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, तो 34 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। और दामोदर रिवर कहाँ से निकलता है? लातेहार के छोटा नागपुर प्लेटू से निकलता है। चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, 35, वन ऑफ द प्लेयर मेंशनड बिलो एंड वन ए गोल्ड मेडल इन 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स। ये पूछ रहा है कि चार प्लेयर्स का नाम दे दिए हैं और आपसे पूछा है कि 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, इसमें से किस प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता था। तो मैं आपको बताऊं कि इसका जो आंसर है वो दीपिका कुमारी, बी इज द करेक्ट आंसर। दीपिका कुमारी ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। और अभी मैंने आपको बताया दीपिका कुमारी किस गेम से एसोसिएटेड है? आर्चरी, ठीक है, तीरंदाजी। आप ये दोनों बात याद रखना। ठीक है, कुछ समय पहले तक वो इंडिया की, वर्ल्ड की टॉप तीरंदाज थी,
अभी उनका रैंकिंग कुछ घट गया है, ठीक है। सो दीपिका कुमारी ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में आर्चरी में गोल्ड जीता था, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ क्या बोलता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेई ग्रास, जेई ग्रास का फुल फॉर्म क्या है। सो जेई ग्रास का फुल फॉर्म क्या है, तो जेई ग्रास का देखो फुल फॉर्म है ए, ए इज द करेक्ट आंसर। आप देख लो चार फुल फॉर्म का के बारे में दिया हुआ था। जेई ग्रास जो है उसका एक्चुअल जो फुल फॉर्म बनता है वो बनता है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम, यही जेई ग्रास का फुल फॉर्म है। मैंने बाकी को इसलिए नहीं पढ़ा ना कि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। आप जेई ग्रास को देख लो और ऐसे याद करो झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सो 36 का जेई ग्रास का फुल फॉर्म क्या होगा, ए जो होगा ए इसका फुल फॉर्म होगा, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। तो देखिए 37 क्या बोलता है, 37 पूछता है आपसे कि आउट ऑफ टोटल स्टील मैन्युफैक्चर्ड इन इन द कंट्री अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टील डज झारखंड मैन्युफैक्चर, कि इंडिया में जितना भी स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें से झारखंड कितना परसेंट स्टील मैन्युफैक्चर करता है। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि भारत में जितना भी स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें झारखंड कितना परसेंट स्टील मैन्युफैक्चर करता है, तो करेक्ट आंसर इज 20 से 25%, सी इज द करेक्ट आंसर, कि 20 से 25% स्टील मैन्युफैक्चर झारखंड करता है। और मैंने क्या बोला था, आयरन ओर में झारखंड का कितना रैंक है, सेकेंड रैंक है, और कितना परसेंट रखा हुआ आयरन ओर, 26%, याद रखना आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 38 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि द स्टेट एनिमल ऑफ झारखंड, झारखंड का स्टेट एनिमल राजकीय पशु कौन है। अब देखो मैं जब अपना लेक्चर ले रहा था ना नो योर स्टेट में, मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि बहुत बार अब ऐसा होगा कि एग्जामिनर आपसे नाम तो पूछेगा लेकिन वो आपको सिंपल नेम नहीं देगा। जैसे देखो स्टेट एनिमल इसने पूछा है, इसने कहीं भी एलिफेंट दे के रखा है क्या, झारखंड का राजकीय पशु सबको पता है एलिफेंट है, एशियन एलिफेंट, कहीं एलिफेंट का नाम है, नहीं है, इसने साइंटिफिक नेम दे दिया है। वैसे आपसे जब आप स्टेट ट्री पूछेगा, स्टेट फ्लावर पूछेगा, स्टेट बर्ड पूछेगा ना, तो वो आपको नाम के बदले साइंटिफिक नेम देगा। और ये सबसे आसान सा प्रश्न भी उन लोगों से छूट जाएगा जो लोग साइंटिफिक नेम याद नहीं करते हैं। अब देखो बताओ इसमें से एलिफेंट किसका साइंटिफिक नेम जो है इसमें से कौन सा है जो एलिफेंट के बारे में बता रहा है। चलो मैं एक एक करके बता रहा हूँ और अभी दो चार साइंटिफिक नेम एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, सब याद रखना, जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उतना तो याद होना ही चाहिए। देखो पैंथेरा टिग्रिस किसको बोलते हैं, टाइगर को बोलते हैं। पैंथेरा टिग्रिस जो है वो साइंटिफिक नेम है किसका है, टाइगर का है। एलिफस मैक्सिमम किसका है, एलिफेंट का है। तो बी तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि स्टेट एनिमल झारखंड का एलिफेंट है। अब सर्विडे जो है ये साइंटिफिक नेम है डियर का, और पाइथोनिडे जो है ये आपका साइंटिफिक नेम है पाइथन का, अजगर का। तो पहले तो ये चारों आप याद ही कर लो। पैंथेरा टिग्रिस जो है, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर को बोलते हैं, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस एलिफेंट को बोलते हैं, सर्विडे किसको बोलते हैं, डियर को बोलते हैं, और पाइथोनिडे किसके बोलते हैं, पाइथन अजगर को बोलते हैं। इसके अलावा देखो अब आपको एलिफेंट का तो नाम पता चल गया एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, एशियाटिक कोयल का साइंटिफिक नेम क्या है, यूडेनेमस एस्कोलोपेसियस, क्या है, यूडेनेमस एस्कोलोपेसियस। साल ट्री का क्या नाम है साइंटिफिक नेम, सोरिया रोबस्टा, क्या है, सोरिया रोबस्टा। और पलास का साइंटिफिक नेम क्या है, ब्यूटा मोनोस्पर्मा, मोनोस्पर्मा। अब आप ध्यान देना, एग्जाम में कभी भी आपसे साइंटिफिक नेम पूछ ले वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इतना इजी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। मैंने बार बार बोला है कम से कम ये सब नहीं पता हो, पैंथेरा टिग्रिस सर्विडे पाइथोनिडे नहीं पता हो चलेगा, लेकिन चार नाम आपको याद रखना है, क्या क्या, एलिफेंट साइंटिफिक नेम क्या है, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, एशियाटिक कोयल साइंटिफिक नेम क्या है, यूडेनेमस एस्कोलोपेसियस, साल साइंटिफिक नेम क्या है, सोरिया रोबस्टा, और पलास साइंटिफिक नेम क्या है, ब्यूटा मोनोस्पर्मा। ये चारों नाम आपके दिमाग में छप जाना चाहिए ताकि ये क्वेश्चन छूटे ना। क्वेश्चन 38 का आंसर क्या है, बी। अब देखो क्वेश्चन 39, ये आपसे पूछ रहा है ग्लोबल स्किल समिट जो 2019 में हुआ था वो कहाँ हुआ था, ग्लोबल स्किल समिट जो 2019 में हुआ था कहाँ हुआ था,
करेक्ट आंसर इज सी, रांची। कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था। ग्लोबल स्किल समिट कहाँ हुआ था? रांची में हुआ था, जो 2019 में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखो कि लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड 2019 में किसे दिया गया इनमें से? लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड 2019 में किसे दिया गया? चार ऑप्शन है, मैं आपको बताऊं। ए इज द करेक्ट आंसर, अ यूथ फ्रॉम एनजीओ इन झारखंड। झारखंड में किसी एनजीओ से मैं काम कर एक यूथ को दिया गया था, तो लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड किसे मिला था? तो ए यूथ फ्रॉम एनजीओ इन झारखंड, ए इज द करेक्ट आंसर। आप चाहो तो इसे याद कर लो, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल स्किल समिट 2019 रांची में हुआ और लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड 2019 किसे मिला था? झारखंड में किसी एनजीओ में काम करने वाले एक लड़के को मिला था, ठीक है। अब क्वेश्चन 41 देखो। अब क्वेश्चन 41 पूछ रहा है कि जो चार नाम आपको दिए हुए हैं, जयंत सिन्हा, महेश पोद्दार, रविंद्र कुमार पांडे एंड करिया मुंडा, इन चार नाम में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो झारखंड से राज्यसभा के मेंबर हैं, बीजेपी के, पहले तो झारखंड से राज्यसभा के मेंबर हैं, बीजेपी के स्टेट ट्रेजरर हैं और एक इंडस्ट्री लिस्ट भी है। इन चार नाम में से कौन से व्यक्ति हैं जो ये तीनों चीज को में जुड़े हुए हैं? पहला क्या है कि राज्यसभा के मेंबर है झारखंड से, स्टेट ट्रेजरर है, बीजेपी के एक इंडस्ट्री लिस्ट भी है, तो महेश पोद्दार इज द करेक्ट आंसर, बी। महेश पोद्दार वैसे वो व्यक्ति हैं जो इन तीनों चीज में फिट बैठ रहे हैं। वो एक इंडस्ट्री लिस्ट भी है, बीजेपी के स्टेट ट्रेजरर भी है और राज्यसभा के मेंबर भी है झारखंड से। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ये पूछ रहा है कि खरवार रिबेलियन, व्हेन डिड द खरवार रिबेलियन अंडर द लीडरशिप ऑफ भागीरथ, दुबई गोसाई एंड पटेल सिंह टेक प्लेस? कि खरवार रिबेलियन, खरवार विद्रोह जो हुआ, जो कि भागीरथ, दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में हुआ, वो कब हुआ था? सो डी इज द करेक्ट आंसर, 1832 से 1833 में। 1832 से 1833 में खरवार रिबेलियन हुआ था इनके नेतृत्व में। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सब देखो, अगर डेट आपको याद है, सेकंड समय लेना ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे अगर आपको आंसर पता है ना, यू हैव टू टेक मिनिमम लोएस्ट टाइम, ठीक है, सबसे कम समय लेना है ताकि आप बाकी बड़े क्वेश्चंस के लिए समय बचा पाओ। तो 42 में क्या होगा, खरवार रिबेलियन कब? 1832 से 1833, याद रखना। 43 देखो। अब पूछ रहा है कि झारखंड के जो फेमस फ्रीडम फाइटर भगवान बिरसा मुंडा हैं, उनका जन्म कब हुआ था? सबको पता होगा, इसमें कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है। नवंबर 15, 1875, सी इज द करेक्ट आंसर, कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखो। ये आपसे बोल रहा है कि इन द नेम, इन द शैडो ऑफ द स्टेट 2010, इस बुक के ऑथर कौन है? इन द शैडो ऑफ द स्टेट 2010, इस बुक के ऑथर कौन है? जिस बुक में, जो बुक किस चीज पे बेस्ड है? नेटिव पॉलिटिक्स, एनवायरमेंटलिस्ट एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू झारखंड। इस बुक में इन तीनों, ये बुक जो है एक्चुअली इन तीनों चीजों पे बेस्ड है, नेटिव पॉलिटिक्स, एनवायरमेंटलिस्ट एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू झारखंड। इस बुक का नाम है इन द शैडो ऑफ द स्टेट, इस बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक के जो ऑथर, देखो ये फेमस बुक है, इस बुक के ऑथर है अल्पा शाह, डी इज द करेक्ट आंसर। इस बुक के ऑथर कौन है? अल्पा शाह, अल्पा शाह। इन द शैडो ऑफ द स्टेट किसने लिखा है? अल्पा शाह ने लिखा है, आपको याद कर जाना है। इन द शैडो ऑफ द स्टेट, इन द शैडो ऑफ द स्टेट, अल्पा शाह, ठीक है। 44 का डी। चलो 45 देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोनोमस बॉडी ऑफ झारखंड स्ट्राइविंग फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ 7 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट? एक्चुअली जो भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, उनके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कौन सा एजेंसी इसमें से काम कर रहा है, कौन सा ऑटोनोमस बॉडी काम कर रहा है? सो करेक्ट आंसर है ए, रियाडा। आप याद कर लो, रियाडा, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, रियाडा जो है, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी रियाडा जो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेवन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है, मतलब रियाडा जो है वो झारखंड में स्ट्राइव कर रहा है कि बहुत सारे जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे से हो पाए, ठीक है। सो रियाडा आप याद रखना, आंसर इज ए। और रियाडा का फुल फॉर्म, जैसे मैंने वहाँ जेरेडा का बताया था, जेरेडा क्या बताया था? झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, वैसे रियाडा है रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एजेंसी अथॉरिटी, ठीक है। सो दोनों आप याद रखना, ए इज द करेक्ट आंसर, कि रियाडा ही वो ऑटोनोमस बॉडी है जो झारखंड में स्ट्राइव कर रही है कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे से हो। अब क्वेश्चन 46 देखो। तिरकुट पिक कहाँ लोकेटेड है झारखंड में? तिरकुट पिक कहाँ लोकेटेड है झारखंड में? तो तिरकुट पिक कहाँ है? देवघर में है। तिरकुट पिक कहाँ है? देवघर में है। तिरकुट पिक कहाँ है?
देवघर में है आप याद रखना, साथ में आप याद रखना कि बैद्यनाथ टेम्पल, बासुकीनाथ टेम्पल, तपोवन टेम्पल सब कहाँ है? देवघर में। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। कि वेयर इज त्रिकुट पिक लोकेटेड इन झारखंड, तो देवघर में त्रिकुट पिक लोकेटेड है। ठीक है, और पहला कि भाई कौन सा ऑटोनोमस बॉडी है जो झारखंड में स्ट्राइक कर रहा है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए? तो रियाडा। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखो कि नेम द स्कीम ऑफ झारखंड गवर्नमेंट वेयर इन द गर्ल्स इन द एज ऑफ, देखो ये आपसे पूछ रहा है कि उस स्कीम का नाम बताओ जिसके तहत, उस स्कीम का नाम बताओ जिसके तहत 14 से जो 24 साल की लड़कियां हैं उनको एम्पावर्ड किया जा रहा है विद द एड ऑफ वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की मदद से। ठीक है, उस स्कीम का नाम बताओ जिसमें 14 से 24 साल की लड़कियों को एम्पावर्ड किया जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि उस स्कीम का जो नाम था ना, उसके बारे में आप कुछ कुछ जानो, उस स्कीम का नाम था तेजस्वनी। ये एक्चुअली जो स्कीम है ये भारत सरकार का एक स्कीम है जो कि विश्व बैंक की सहायता से रन कर रहा है। इसमें एक्चुअली इस स्कीम का मोटिव क्या है कि जो भी 14 से 24 साल की जो लड़कियां हैं उनको ये चाहते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट बने, आत्मनिर्भर बने, उनको स्किलफुल एजुकेशन प्रोवाइड करके मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनको समाज में उनका उत्थान हो, वो अच्छे से समाज में कदम से कदम मिला के चल सके। मतलब तेजस्विनी का मेन रोल क्या है कि देखो ये भारत सरकार का एक योजना है जो वर्ल्ड बैंक एड देती है, फाइनेंस करती है, तो भारत सरकार और विश्व बैंक से मिला हुआ एक योजना चलता है जिसके तहत 14 से 24 साल की जितनी भी लड़कियां हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है बाई प्रोवाइडिंग देम मीन्सफुल ऑफ एजुकेशन, स्किलफुल एजुकेशन उनको प्रोवाइड करके उनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और उस स्कीम का नाम क्या है? डी तेजस्विनी, उस स्कीम का नाम है तेजस्विनी, याद रखना आप। ठीक है, 47 का आंसर क्या हुआ? डी। अब देखो पूछ रहा है कि दसम वाटरफॉल इन झारखंड ओरिजिनेट फ्रॉम विच रिवर, कि दसम वाटरफॉल झारखंड में जो है किस रिवर से ओरिजिनेट होता है। मैंने पहले ही क्वेश्चन में इसका उत्तर बताया है, कांची, कांची रिवर। दसम फॉल किस रिवर की वजह से ओरिजिनेट होता है? तो कांची रिवर की वजह से ओरिजिनेट होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। देखो अगर आप बैक जाओ तो आप देखोगे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही इसका उत्तर आपको दिया हुआ है। देखो दसम वाटरफॉल कांची रिवर, मैं जो भी एक्स्ट्रा बीट बता रहा हूं बिलीव मी आप सबको कहीं ना कहीं लिखो या स्क्रीनशॉट करके रख लो। जब आप पूरा सेट तैयार करोगे ना तो 50 क्वेश्चन के बदले आपका लगभग 100 क्वेश्चन प्रिपेयर रहेगा, ध्यान देना इस बात को। ठीक है, सो दसम वाटरफॉल इन झारखंड ओरिजिनेट फ्रॉम विच रिवर, तो कांची रिवर, सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम आज के अपने दो लास्ट प्रश्न पे कि झारखंड इज फेमस फॉर मेटल वर्कर हु मेक्स ब्यूटीफुल वाइल्ड पेपर विद सुपर डिजाइन, दे आर कॉल्ड। कि झारखंड में तो भाई बहुत सारे, आप जानते हो कि हैंडीक्राफ्ट के मामले में झारखंड में काफ़ी कलाकृतियाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो उम्दा कलाकारी करते हैं। इन्होंने आपसे पूछा है कि वो मेटल वर्कर जो कि ब्यूटीफुल वाइट पेपर विद सुपर डिजाइंस बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको चूर बोला जाता है, CHUR। उनको क्या बोला जाता है? चूर, याद रखना। कि दीज आर दोज मेटल वर्कर हु मेक ब्यूटीफुल वाइट पेपर विथ सुपर डिजाइंस, दे आर कॉल्ड चूर, CHUR। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। अब आज का लास्ट प्रश्न हम लेते हैं कि 2008 में, ये प्रश्न 50 नंबर का प्रश्न, आप देखो मैं बता रहा हूँ ये क्या पूछ रहा है आपसे। ये आपसे पूछ रहा है कि 2008 में जब मलेशिया में अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट हुआ था जिसे ये भारत ने जीता था, उसमें झारखंड का, जमशेदपुर का एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था, ठीक है, जिसने खेला था उसका नाम बताओ। मतलब 2008 में मलेशिया में जो वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट हुआ जिसे इंडिया ने जीता था, उसमें झारखंड का, जमशेदपुर का एक प्लेयर था जो कि लेफ्ट हैंडेड था, लेफ्ट हैंडी था, ठीक है, जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी रहा है, उसका नाम बता रहा है, नाम आपसे पूछ रहा है। सौरभ तिवारी, बरुण अरुण, कृति आजाद या रणधीर सिंह? आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक ऐसा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो झारखंड का, जमशेदपुर का रहने वाला, जिसने 2008 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट का गेम हुआ था मलेशिया में उसको खेला था, वो इनमें से कौन है? तो वो है, आंसर इज सौरभ तिवारी, ए इज द करेक्ट आंसर, सौरभ तिवारी। सो इसी लास्ट प्रश्न के साथ मेरा आज का प्रैक्टिस सेशन खत्म होता है। मैंने जितने भी एक्स्ट्रा बीट बताया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब उस बीट को कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा लिखे होंगे या फिर स्क्रीनशॉट लिए होंगे। जिन्होंने मेरा बाकी का पहले का प्रैक्टिस सेशन नहीं देखा वो आप जाकर देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने
अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिए हैं जो आपके जेपीएससी पीटी में हेल्प करेंगे। अभी एग्ज़ाम से पहले मैं बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम के में बहुत सारे प्रश्न ऐसे मिले जो आप पढ़ चुके हो ताकि आपको आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोज़ हू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेपीएससी जैसे से इन एनी अदर एग्जाम्स ऑफ झारखंड, दे कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि उन्हें नोट्स नहीं मिल रहा है। तो देखो, इस वीक से मैं सारे नोट्स अपलोड करूँगा, ठीक है। सारे नोट्स मैं पीडीएफ में देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत जल्दी आपको मिलेगा। जिनको मेरा नोट्स चाहिए, जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, दे कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सो टिल देन, एग्ज़ाम आ रहा है, आप अच्छे से पढ़ाई करो, स्टे सेफ, वर्क हार्ड। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। चलो फिर।